वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस वर्गोस। वर्गोस, ये आपकी यू वर्सेस देम रीडिंग है और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, जो पर्सन आप जिन्हें पसंद करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, वो पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके कॉन्शियस थाट्स क्या हैं आपके लिए और सब कॉन्शियस थाट्स क्या हैं आपके लिए, और क्या एक्शन ले सकते हैं आपके टूवर्ड्स, आपको किस लाइट में अभी देख रहे हैं और फ्यूचर में आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग से। और क्योंकि ये यू वर्सेस देम रीडिंग है तो वर्गोस, हम ये भी देखेंगे कि आप इस पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं और आपके इमोशंस क्या हैं इस पर्सन के लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस साइड हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे, इस साइड आपके पर्सन की, बट डू रिमेम्बर के एनर्जीज़ कई बार इंटरचेंज भी हो सकती हैं, तो आप ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको ये रियलाइज़ हो कि ये आपका साइड है और ये आपके पर्सन का साइड है, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, स्पेशली अगर आप क्रॉस वॉच कर रहे हैं तो। ओके, और लास्ट में हम यूनिवर्स की कुछ गाइडेंस देखेंगे आपकी लव लाइफ की के लिए या फिर इस पर्सन के साथ जो आपका कनेक्शन है उसके लिए। सो यस, लेट्स सी कि आपके पर्सन की साइड से सबसे पहले क्या आता है। ओके, आपकी पर्सन की साइड से आया है जस्टिस और टू ऑफ पेंटिकल और ओके, तो आपकी साइड से ये आया है कि आपकी जो मेन एनर्जी है इस कनेक्शन में, उस कनेक्शन की एनर्जी के हिसाब से यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, कुछ फाइट दिख रही है इस कनेक्शन में, और कुछ फाइट नहीं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं जो आप इस कनेक्शन में फेस कर रहे हैं वर्गोस, बट स्टिल आप अपनी एनर्जी में बहुत ही अच्छे से स्टैंड कर रहे हैं, विच मीन्स कि आप अपने पावर में हैं, आप अपने पूरे एटीट्यूड में हैं, आप अपने पूरे सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं, बट एट द सेम टाइम आप कुछ फाइट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब आई एम सो सरप्राइज्ड कि फाइव ऑफ वांड्स के साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, तो जो फाइट आपकी लव लाइफ में दिख रही है वो बेसिकली आपके दिमाग में चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिमाग में आप कुछ सोच रहे हैं, आपके दिमाग में इस कनेक्शन को लेके कुछ चल रहा है और आप खुद से ही लड़ रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। तो ये लड़ाई ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन से हो, बेसिकली ये लड़ाई ऐसा भी हो सकता है कि आपकी खुद की खुद से चल रही है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप खुद से लड़ रहे हो इस कनेक्शन की वजह से। और खुद से लड़ना क्या होता है, कभी आप कुछ और सोच रहे हो, कभी कुछ और सोच रहे हो इस कनेक्शन के बारे में और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। अब अगर हम आपके पर्सन के पार्ट पर देखें तो आपके पर्सन के पार्ट पे जस्टिस आया है और टू ऑफ पेंटिकल आया है। आपके पर्सन की लाइफ अभी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस चल रही है, टू बी ऑनेस्ट वर्गोस, और आपके पर्सन दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। ओके, दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, तो या तो आपके पर्सन के पास अपनी लव लाइफ में ऑप्शंस हैं, या तो वो अपनी लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में जगल कर रहे हैं, या तो अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जगल कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी सिर्फ आप पे टिकी हुई नहीं है, आप पे भी है बट सिर्फ आप पे टिकी हुई नहीं है। तो अभी आपके पर्सन जिस एनर्जी में है उस एनर्जी के हिसाब से कि इस पर्सन का पूरा फोकस आप पे नहीं है, फोकस कहीं और भी है, और फोकस कहीं और पे भी होना मतलब कि काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या फिर कोई डिसीजन लेना है दो चीज़ों में से, आधा ध्यान पास्ट में है, आधा ध्यान प्रेजेंट में है, आप पे आधा ध्यान है इस पर्सन का, बाकी ध्यान कहीं और है। और यहाँ पे क्योंकि जस्टिस आया है, जस्टिस एक इंटेंशन बताता है कि पर्सन आपसे आपके साथ में जो कनेक्शन है उसको बैलेंस में रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी आउट ऑफ बैलेंस है। तो इफ़ यू आर समवन जो इस कनेक्शन पे एफर्ट लगा रहा है, इफ़ यू आर समवन जो कॉन्स्टेंटली इस कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर्सन का जो डिज़ायर है वो ये है कि आप अगर एफर्ट लगा रहे हो तो ये भी एफर्ट लगाएं कनेक्शन पे। ओके, ये डिज़ायर है इस पर्सन का बहुत ही स्ट्रांगली। अब यहाँ पे दूसरी जो चीज़ आई है वो फोर ऑफ पेंटिकल आई है। फोर ऑफ पेंटिकल और द हैंगमैन दोनों बहुत ही एक जैसी एनर्जी है। फोर ऑफ पेंटिकल बताते हैं कि हमने किसी चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है, किसी चीज़ को हम लेट गो नहीं कर रहे हैं,
और हम उसी चीज़ में फंसे हुए हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी चीज़ ये हो सकती है कि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई हों, आपने कुछ किया हो, या फिर आपके कनेक्शन में कुछ सर्कमस्टांसेस आए हों जिन्हें इस पर्सन ने पकड़ लिया है। अब इसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। तो अगर आपने इस पर्सन को कुछ, फॉर से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फॉर से कि 4-5 दिन पहले आपका कुछ झगड़ा हुआ इस पर्सन के साथ में, और उस झगड़े में आपने इस पर्सन को कुछ बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया आपने गुस्से में, जो कि आपको नहीं बोलना था। तो अभी ये पर्सन उस बात को लेट गो नहीं कर पा रहा है। इस पर्सन के दिमाग में बार बार चल रहा है कि वर्गो ने मुझे ऐसा बोला, वर्गो ने मुझे वैसा बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा क्यों बोला है। तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव हुई हैं आप दोनों के बीच में, और जिसे इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ, लेट गो नहीं कर पा रहा है। और हैंग मैन ये बता रहे कि इस पर्सन को लगता है कि पर्सन आप पे अटक गया है, अब आपसे निकल नहीं पा रहा है, या फिर आप दोनों का कनेक्शन अटक गया है, कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो स्टकनेस की एनर्जी है, नाराज़गी है किसी टाइप की, कि हम नाराज़ हैं वर्गों से और हम स्टक हैं वर्गों की वजह से, कुछ भी आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो पर्सन थोड़ा सा नाराज़ दिख रहा है। आपकी साइड से 8 ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ वांस है। आपकी साइड से ना 8 ऑफ कप्स है और 9 ऑफ वांस है। आप दोनों के कनेक्शन में एक बहुत ही बढ़िया सी मैं चीज़ बताती हूँ, बढ़िया तो नहीं है बट जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स बता रहे कि आप मूव ऑन कर रहे हैं किसी कनेक्शन से, और देर इज़ अ चांस कि आप किसी नए कनेक्शन में जा रहे हों। तो ऐसा हो सकता है कि आप इस वाले पर्सन से मूव ऑन करके किसी और पर्सन के टूवर्ड्स जा रहे हैं। ये बहुत ही स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ नया हो रहा है, नया तब हो रहा है जब आप मूव ऑन कर रहे हैं। और मैं आपको मूव ऑन करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपकी एनर्जीज बता रही हूँ। इफ़ यू आर समवन जिसे किसी कनेक्शन से मूव ऑन करके किसी नए कनेक्शन में जाना है, तो जैसे ही आप इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं वैसे ही आप किसी नए कनेक्शन के टूवर्ड्स जा रहे हैं और खुश हैं उस रास्ते पे चल के। तो ये सबके लिए सच नहीं होगा, बट आप में से कुछ लोग अगर मूव ऑन कर रहे हैं तो आप किसी और पर्सन के टूवर्ड्स जा रहे हैं टोटली, एक कनेक्शन से निकल के दूसरे कनेक्शन में। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप मूव ऑन कर रहे हो, ये पर्सन आपको मूव ऑन करते हुए देख रहा है। अगर रिसेंटली ऐसा हुआ है कि आपने अपनी एनर्जीज को इस पर्सन पे से थोड़ा सा हटाया है, और मूव ऑन करना मतलब ज़रूरी नहीं कि आप किसी और रिलेशनशिप में जा रहे हो। मूव ऑन करना मतलब ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन पे इतना फोकस नहीं कर रहे हो, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो या किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे हो। यहाँ पे दिख रहा था कि आप मूव ऑन करके किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपको मूव ऑन करता हुआ ये पर्सन देख रहा है। ये पर्सन देख रहा है कि किस तरीके से आप अपनी एनर्जीज़ को इस कनेक्शन से हटा रहे हैं। ये पर्सन देख रहा है कि किस तरीके से आप इंटरेस्ट अपना इस पर्सन से थोड़ा सा ख़त्म कर रहे हैं। ये पर्सन देख रहा है आपको कि किस तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से आप खुद को चेंज कर रहे हैं। और क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है स्टॉकिंग की एनर्जी होती है, तो कॉन्स्टेंटली ये पर्सन जानने और समझने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी इस पर्सन के अंदर है ये जानने की कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स आया है। एस ऑफ कप्स मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अभी ये पर्सन फील कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा बिट्रेड ये पर्सन फील कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपने इस पर्सन को हर्ट किया है, या फिर अगर आपने हर्ट नहीं किया है तो ये पर्सन को बुरा लग रहा है। जो भी कुछ हुआ है उसका बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। अगर आपने हमेशा से इस पर्सन को ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि इस पर्सन में ज़्यादा इमोशंस नहीं हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, अगर आपने ऐसे भी इंसान को लाइफ में एक्सपीरियंस किया, अगर ये ऐसा भी इंसान हुआ करता था तो अभी तो नहीं है, बिकॉज़ अभी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिख रहा है,
बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ये पर्सन दिख रहा है अभी, और आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, यू नो, अच्छे इमोशंस, ख़राब इमोशन, हैप्पी इमोशन, सैड इमोशन। और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है शायद से कि ये कनेक्शन अब ख़त्म हो चुका है, अब कोई होप नहीं है। ये पर्सन समहाउ बिट्रेड भी फील कर रहा है। अब ये सब ये पर्सन फील कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो। हो सकता है कि आपने इस कनेक्शन पे ट्राई किया हो, बट इस पर्सन ने कुछ अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया हो। बट अब इस पर्सन को आपने अपनी एनर्जी यहाँ से खींच लिया, अगर हटा लिए, तो हो सकता है इस पर्सन को अब लग रहा हो कि वर्गोज मुझ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, शायद अब ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, या फिर शायद हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। बिकॉज़ 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही पेनफुल एंडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये एंडिंग्स हुई हैं एस ऑफ कप्स में। मतलब कि ये पर्सन आपके साथ में कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते थे शायद से, या फिर इन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया था, एंड देर इज़ अ चांस कि आपने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस पर्सन की फीलिंग्स को नहीं दिया हो। ये एनर्जी या ये स्टोरी मुझे अभी तक ऐसी, वैसे तो हमें पूरी बात अभी नहीं पता है, धीरे धीरे करके पता चलेगी, बट अभी तक मुझे ये समझ में आया है कि ये कोई ऐसी स्टोरी है कि कोई पर्सन है जो आप, यू नो, आप दोनों का एक कनेक्शन हुआ करता था, और आपने काफ़ी एफर्ट लगाया इस पर्सन के टूवर्ड्स, यू नो, बहुत ही ट्राई किया इस पर्सन के लिए, बट देन इस पर्सन ने उतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपकी वैल्यू नहीं की, या फिर आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया। और जब आपने डिसाइड किया कि ओके अब आपको मूव ऑन करना है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स हमें दिख रहा है, तो आपने जब डिसाइड किया कि मूव ऑन करना है, तो ये पर्सन विक्टिम मेंटालिटी में चला गया कि वर्गो ने मेरे साथ ऐसा किया, वर्गो ने मुझे हर्ट किया, वर्गो ने ऐसा कर। तो मैं बस एक पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस स्टोरी का, बट ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही हो। ये दो चार चीज़ें जो मैं अभी बोल सकती हूँ वो ये है कि इस पर्सन ने कुछ बात पकड़ ली है जो हुई है आप दोनों के बीच में, और ये पर्सन अभी दो चीज़ों पे फोकस कर रहा है लाइफ में, जिसमें आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। दूसरी चीज़, ये पर्सन बैलेंस लेके आना चाहता है इस कनेक्शन में। बैलेंस लेके आना मतलब कि अगर बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ आए हैं आपके लाइफ में, आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो बैलेंस लाने की कोशिश करना, मतलब कि दे डोंट वांट कि आप इनसे नफरत करो, या हेट करो, या मूव ऑन कर लो, या फिर कभी बात नहीं करो। ये एक बैलेंस्ड एनर्जी में आपके साथ रहना चाहते हैं, जहाँ पर आप इन्हें पसंद करें, जहाँ पर आप इन्हें लाइक करें। एट द सेम टाइम ये आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, यू नो, स्टॉकिंग की एनर्जी है। उसके बाद में इस पर्सन को की ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे ये सोच रहा है कि आपने इनके इमोशंस को हर्ट किया है, आपने चीज़ों को ख़त्म किया है, या फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनफुली एंड हुई हैं। आपकी साइड से आपके दिमाग में फाइट दिख रही थी, आपने एक डिस्टेंस बनाया है, और आपने अपना डायरेक्शन लाइफ में चेंज किया है। ओके, यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ अमेजिंग सा होता हुआ दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है वर्गोस कि जहाँ पे भी आप अभी एफर्ट लगा रहे हो अपनी लव लाइफ में, वो चीज़ें आगे जाके बहुत ज़्यादा फ्लरिश होंगी। आई डोंट नो आप अपनी लव लाइफ में कहाँ पे एफर्ट लगा रहे हो। अगर आप इस कनेक्शन में लगा रहे हो तो ये कनेक्शन फ्लरिश होगा, किसी और कनेक्शन में लगा रहे हो तो कोई और कनेक्शन फ्लरिश होगा। बेसिकली आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा फुल होते हुए दिख रही है बहुत ही टाइम बाद, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होते हुए दिख रही है बहुत ही टाइम बाद। ऐसा लग रहा है कि आपको वो मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं अपनी लव लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल मतलब कि होता है कि सक्सेसफुल आप हो रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद फाइनली आपकी ट्रीज पे फ्रूट्स आ गए हैं और अबंडेंस आ गया है। द हायरोफेंट की एनर्जी ये बताती है कि यहाँ पे आप किसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में जा रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आ चुके हैं। देर इज़ अ चांस कि ये आपके एक्स की एनर्जी हो। अभी मैं थोड़ी सी एनर्जीज को चेंज करना चाहती हूँ, एंड आई वॉन्ट कि यूनिवर्स हमें उस पर्सन के बारे में बताएं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो ये पर्सन हो, चाहे कोई और पर्सन हो। तो यूनिवर्स प्लीज़ हमें उस पर्सन की फीलिंग शो करिए जो अभी वर्गोस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ ऐसे पर्सन की फीलिंग्स को शो करिए जो वर्गोस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस वेरी क्लियरली। जो पर्सन आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके ओके ओके,
अभी यहाँ पे सेवन ऑफ वांस आया है और टू ऑफ सॉर्ट्स आया है। अब जो पर्सन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्रॉस रोड्स पे खड़ा हुआ है आपके साथ में, मतलब कि जो पर्सन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर्सन को आपके टूवर्ड्स, वो लाइफ में ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे उसे कोई मेजर डिसीजन लेना है आपसे रिलेटेड, बट यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे स्टार्टिंग में, ओके, अपने कनेक्शन में, चाहे आप नए कनेक्शन में हों, चाहे आप रिकन्सिलिएशन में हों, चाहे ये सेम पर्सन हो, चाहे कोई और पर्सन हो, प्लीज़ बी विथ मी, ओके। मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे सेवन ऑफ वांस है। सेवन ऑफ वांस ही बताते कि पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है इस कनेक्शन को लेके, मतलब किसी टाइप का डर है, किसी टाइप का रेजिस्टेंस है। जिस पर्सन को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो वो पर्सन अभी ये सोच रहा है कि आई डोंट नो कि वर्गोस के साथ में रह के ठीक है कि नहीं है, वर्गोस के साथ में कनेक्शन आगे ले जाके ठीक है या नहीं है। क्यों ठीक है या नहीं है? क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से आपके साथ में कनेक्शन के में आने के बाद में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे। इश्यूज आप दोनों के बीच में भी हो सकते हैं, इश्यूज सोसाइटी के भी हो सकते हैं, इश्यूज आपकी फैमिलीज के बीच में भी हो सकते हैं, पर ये कनेक्शन, ये पर्सन थोड़ा आपसे कनेक्शन से दूर भाग रहा है, ओके। दूर भागने का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करता, दूर भाग रहा है मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी टेंशन है इस कनेक्शन में। और यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ट्स है, टू ऑफ सॉर्ट्स मतलब कि इस पर्सन को कुछ डिसीजन लेना है, आई गेस आपसे रिलेटेड इसे कुछ डिसाइड करना है, ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्परर की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इस पर्सन का पर्सोना जो आपके सामने है वो बहुत ही हार्डकोर एटीट्यूड है इस पर्सन का। ये पर्सन जो आपके पर्सन है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एनर्जी में दिख रहे हैं, लॉजिकल एनर्जी में दिख रहे हैं, पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हैं, अबंडेंट एनर्जी में दिख रहे हैं। अंदर से ये पर्सन लोगों को ये पर्सन शो कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको ये पर्सन शो कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ये पर्सन शो कर रहा है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ही कूल हूँ, मैं बहुत ही चिल्ड आउट हूँ। बट अगेन, ये पर्सन इतना चिल्ड आउट नहीं है जितना ये पर्सन दिखा रहा है। बट यस, इस पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है, इस पर्सन में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो सकता है, और ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी वनरेबल फीलिंग्स आपको नहीं दिखा रहा है। आपसे रिलेटेड ये पर्सन क्या फील कर रहा है? फोर ऑफ कप्स फील कर रहा है। समहाउ आप दोनों के कनेक्शन में थोड़ा सा ये पर्सन डिसअपॉइंटेड दिख रहा है। और यहाँ पे है फाइव ऑफ वांस और यहाँ पे है एस ऑफ वांस। फाइव ऑफ वांस कॉन्फ्लिक्ट बताता है, फाइव ऑफ वांस हमने यहाँ पे भी देखा था। तो आपका इस पर्सन के साथ में कई बार झगड़ा होता है, झगड़ा होता रहता है, थॉट्स का इशू है यहाँ पे, थॉट्स क्लैश होते रहते हैं। बट यहाँ पे फायर बहुत ज़्यादा है आप दोनों के अंदर, एस ऑफ वांस। वांस मतलब फायर बहुत ज़्यादा होना, फायर होना मतलब कि नो मैटर ये पर्सन कुछ भी आपको दिखा रहा हो, ये आपसे अट्रैक्टेड है, ये पर्सन यस, आपसे अट्रैक्टेड है बहुत ही ज़्यादा, और ये पर्सन आपको लाइक करता है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बॉन्ड आपके साथ में फील करता है, एक अलग टाइप का। इस पर्सन के लिए आपकी एनर्जी बहुत ही मैग्नेटिक एनर्जी है, बिकॉज़ आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी साइड में अट्रैक्ट करते हैं आप इस पर्सन को। बट जब फायर होता है तो फायर के जहाँ पे पॉजिटिव साइड्स होते हैं, फायर के कुछ नेगेटिव साइड्स भी होते हैं, जैसे कि फायर कई बार कंपैरिजन, जेलसी होना, अपने ही पर्सन से जेलस होना, या फिर कोई और अगर हम हमारे पर्सन से बात कर रहे हैं तो उससे जेलस होना, ऑब्सेशन होना, गुस्सा करना, कंट्रोलिंग होना, डोमिनेटिंग होना, ये सब चीज़ें भी बताता है। तो फायर का बोथ पॉजिटिव नेगेटिव साइड, केमिस्ट्री भी फायर होता है, बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है दो लोगों के बीच में, बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है दो लोगों के बीच में, ये भी फायर होता है। बट फायर के ना कुछ नेगेटिव साइड्स भी होते हैं, टॉक्सिक साइड्स भी होते हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन, जितना ज़्यादा आप एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो, यहाँ पे टॉक्सिसिटी भी काफ़ी हो आप दोनों के कनेक्शन में। उसके बाद में है नाइट ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको कोई परमानेंट ऑफर अपना देना चाहता है, टू बी ऑनेस्ट, लाइक ये आपके साथ, यस, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बताती है कि पर्सन
हमने क्या देखा था इस पर्सन को यहाँ पे डिसीजन लेना है, हमने क्या देखा था कि पर्सन थोड़ा सा आपको रेजिस्ट कर रहे हैं, हमने क्या देखा था थोड़ा सा ईगो और एटीट्यूड भी है, हमने क्या देखा था कि पर्सन थोड़ा सा खुश भी नहीं है आपके बिहेवियर से। झगड़े कॉन्फ्लिक्ट लड़ाइयाँ भी होती हैं, बट हमने फिर फायर देखा कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों में। अब हम पेंटिकल देख रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल जब हम फायर से स्विच होके अर्थ एलिमेंट पे आते हैं उसको नाइट ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट करता है। फायर क्या था, फायर इनकंसिस्टेंट रहता है, अट्रैक्शन तो बहुत है, केमिस्ट्री तो बहुत है, बट देन कंसिस्टेंट नहीं है वो एनर्जी, आगे पीछे होती रहती है। कभी तो हमें किसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, कभी हमें हमारा किसी पे से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, यू नो। तो फायर, फायर इतना प्रोफाउंड नहीं होता है, फायर यस पैशन बताता है बट पैशन कीप्स चेंजिंग, यू नो। बट जब पेंटिकल पिक्चर में आ जाता है तो एक ऑनेस्टी दिखती है किसी पर्सन की। तो जो पर्सन को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो उसके लिए हम कार्ड्स निकाल रहे हैं, तो वो पर्सन यहाँ पे जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, उस पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि वो आपके साथ में इस कनेक्शन को परमानेंट करना चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहता है, नाइट ऑफ पेंटिकल का, नाइट ऑफ पेंटिकल का ऑफर देना मतलब कि ज़िंदगी भर का साथ, मैरिज, ये सारी चीज़ें होती हैं, स्टेबिलिटी होती है, यू नो। पेंटिकल एक ऐसा रिलेशनशिप जिसे सोसाइटी रिकग्नाइज करे, फैमिली रिकग्नाइज करे। अब पर नाइट ऑफ पेंटिकल की प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ही स्लो मूविंग नाइट होता है, बहुत ही टाइम लगता है इस नाइट को डिसीजन लेने में अपनी लाइफ में, ये ऑफर देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सबसे स्लोएस्ट नाइट होता है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो ये इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि अभी फायर से हमें निकल के, इनकंसिस्टेंसी से निकल के इस कनेक्शन को थोड़ा कंसिस्टेंट बनाना चाहिए। ओके, कुछ ना कुछ करके थोड़ी स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में आनी चाहिए। तो यहाँ पे पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल के उसमें दिख रहा है, जहाँ पे इसके दिमाग में चल रहा है कि मुझे परमानेंट करना है इस कनेक्शन को। बट यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स आपका एटीट्यूड भी हो सकता है इस ऑफर के लिए, कि जब भी ये पर्सन आपको ऑफर देने का सोचता हो तब इस पर्सन के दिमाग में आपसे रिलेटेड कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हो कभी कभी, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये ऑफर दे रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को, और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको अभी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह देख रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जो कॉन्स्टेंटली, जिसने यू नो लव लाइफ में अपने डिसअपॉइंटमेंट्स देखी है, कॉन्स्टेंटली लोगों ने जिसका यूज़ किया है या फ़ायदा उठाया है, वो पर्सन अपने लेसन लर्न कर करके क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन जाता है। और जब वो पर्सन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनता है तो कई बार ना थोड़ा सा रफ हो जाता है, क्योंकि अभी उसको इस क्वीन ने इतना कुछ अपनी लाइफ में देख लिया है कि अभी इसके लिए इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कोई भी ऑफर दे देगा तो ऐसे ही नहीं ले लेगी, यू नो। थोड़ा सा रूड भी हो सकती है ये, थोड़ा सा रफ भी हो सकती है, यू नो, लोगों को बहुत जल्दी कट ऑफ भी करना जानती है। तो इस पर्सन को ऐसा लग सकता है, मैं मुझे जितना समझ में आ रहा है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पर अब वर्गों में चेंजेस आ रहे हैं, वर्गोस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, थोड़े से रूड हो गए हैं, पता नहीं ऑफर देना सही रहेगा या नहीं, पता नहीं वर्गोस कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये मेजरली इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है। अभी और क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपके लिए, लेट्स सी। द फुल न्यू बिगनिंग्स की फीलिंग्स है, एस ऑफ, ओ माय गॉड यू गाइस, क्या हो रहा है। द फुल न्यू बिगनिंग, ये पर्सन आपके साथ में न्यू बिगनिंग्स चाहता है फॉर श्योर। वापस से चीज़ें शुरू करो, ज़ीरो से चीज़ें शुरू करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं चीज़ों को, या फिर ये अगर कोई आप पर्सन आपका क्रश है या फिर सिचुएशनशिप है तो चलो रिलेशनशिप शुरू करते हैं। अगेन एस ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन अपना पेंटिकल आपको देना चाहता है। एंड आई एम सो सरप्राइज कि स्टार्टिंग में इतना एटीट्यूड दिख रहा था, रूड दिख रहा था, रेजिस्टेंस भी था इस कनेक्शन से, थोड़ा डिसीजन भी लेना है, खुश भी नहीं है वर्गों से, नाराज़ भी हैं वर्गों से, बट देन ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी हो गई। हम इसी पेंटिकल की बात कर रहे थे, ये पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल से ये अपना पेंटिकल आपको देना चाहता है, एस ऑफ पेंटिकल। अभी हमने यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी देखा था। तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, ये कुछ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं आपके साथ में, अगेन बट पेंटिकल देने में प्रॉब्लम बस इतनी ही है कि ये इंसान बहुत ही स्लो चल रहा है अपने दिमाग में। ओके, उसके बाद यहाँ पे ओके, यहाँ पे हर्ट है, यहाँ पे पेन है, ये पर्सन थोड़ा सा पेन फील कर रहा है आपको लेके। पेन क्यों फील कर रहा है, क्योंकि या तो आपने इस पर्सन को इग्नोर किया है,
या तो आपने इस पर्सन के कॉल्स नहीं उठाए हैं, या तो आपने इस पर्सन के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया है, क्या आपने इनसे कुछ झूठ बोला है, आई डोंट नो, बट आपने कुछ किया है, या तो आपने इग्नोर कर दिया इस पर्सन को। तो जब भी आप इग्नोर कर रहे हो तो पर्सन हर्ट हो रहा है। यहाँ पे आपकी साइड से एट ऑफ पेंटिकल है, आपको समझ में, आपकी साइड से भी बहुत ही अमेजिंग सी एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में, लव लाइफ में थोड़े से कन्फ्यूजन वाली जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल है। एट ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप को समझ में नहीं आ रहा है कि आप एफर्ट कहाँ लगाएं, लव लाइफ में किस डायरेक्शन में एफर्ट लगाएं। अगर आप भी सेम ही पर्सन को चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो आपको बहुत ही डेस्परेटली अभी चाह रहा है, क्योंकि हमने ये देखा था कि जो पर्सन आपको पसंद है हम उसकी एनर्जी देखेंगे, बट यहाँ पे आप एफर्ट लगाना चाहते हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा मैं किस डायरेक्शन में एफर्ट लगाऊं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ जिससे कनेक्शन आगे बढ़ सके, क्योंकि योर पर्सन इज टेकिंग फॉर एवर टू गिव यू ऑफर, लाइक बहुत ही टाइम लगने वाला है इस पर्सन को, बट आप ये सोच रहे हो कि मैं कहाँ एफर्ट लगाऊँ, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल और टू ऑफ सॉर्ट्स है, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में क्या स्टेप आपको लेना चाहिए, क्या एफर्ट आपको लगाने चाहिए, आप टोटल ब्लैंक दिख रहे हो। यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और द लवर्स की एनर्जी है। सिक्स ऑफ सॉर्ट्स है और द लवर्स है। गॉड वर्गोज, पहली बार मुझे आपकी लव लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आप एक जगह से निकल के और द लवर्स की तरफ जा रहे हो। मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना ओवर द पीरियड ऑफ यू नो फ्यू मंथ्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, जहाँ पे हो सकता है कि आप ही अपने दिमाग में कन्फ्यूज़ हो गए हो कि आप करना क्या चाहते हो अपनी लव लाइफ में, आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो, किसके पास जाना चाहते हो। आप, मुझे पता है अभी क्या करते हुए दिख रहे हो, आप एक जगह से निकल के अपने सोलमेट के पास जाते हुए दिख रहे हो, बट आप एक जगह से निकल के अपने सोलमेट के पास जा रहे हो। तो कहाँ से निकल के आप सोलमेट के पास जा रहे हो? क्या पहले आप किसी और इंसान के साथ थे, अब आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपका सोलमेट कौन है और आप उसके उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, या फिर आपके और आपके सोलमेट के बीच में कुछ इश्यूज हो गए थे तो आपने किसी और पे फोकस करना शुरू कर दिया, बट आप अभी वापस अपना फोकस अपने सोलमेट पे ले जा रहे हो। आप समझ रहे हो कि कितनी क्योटिक एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है, इसीलिए मुझे दूसरी बार भी कार्ड्स निकालने पड़े ये देखने के लिए कि जहाँ कौन ऐसा पर्सन है जिसे आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हो, वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, बिकॉज देर इज़ अ चांस कि दो लोग हों आपकी लव लाइफ में, या फिर बहुत ही ड्रास्टिकली आपकी लव लाइफ की एनर्जीज चेंज हुई हों। यहाँ पे कुछ भी कहना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ना मुझे कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं चीज़ें आपकी लव लाइफ में, एंड आपको खुद को 1-1.5 महीना या 2 महीना लगेगा क्लैरिटी समझने में, क्योंकि इतने क्योस के बीच में आई डोंट थिंक सो कि आपको खुद को कोई क्लैरिटी मिलेगी। अभी तो ऐसा है कि जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि आपके पर्सन जिस तरीके से दिख रहे हैं, आप जिस तरीके से दिख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी क्योस है, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड दिख रही है, एक जगह पे नहीं है, ना तो आपकी ना आपके पर्सन की एनर्जी स्कैटर्ड दिखना, मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में 2-4 लोग हैं, इनकी लाइफ में 2-4 लोग हैं, नहीं, एनर्जी स्कैटर्ड होना मतलब कि हम खुद ही अपना दिमाग नहीं बना पा रहे हैं, हमें खुद को डायरेक्शन नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत ही अलग दिख रहा है। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप समझ गए हो कि मैं किस पर्सन की यहाँ पे बात कर रही थी, इस पर्सन का इंक्लिनेशन आपके टुवर्ड्स अभी बहुत ज़्यादा है, इतना इस पर्सन का इंक्लिनेशन आपके टुवर्ड्स कभी नहीं था, ये जो भी पर्सन है। तो अभी बट एक प्रॉब्लम आप फेस करेंगे इस कनेक्शन में, कि पर्सन को टाइम लगेगा उस लेवल तक आने में जहाँ पे आपको अपने मन की बात बता सके, जहाँ पे ये बोल सके कि यस मुझे कमिटमेंट चाहिए, यू नो, तो थोड़ा सा इस पर्सन को टाइम लगने वाला है, तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। अभी आप जिस भी कनेक्शन में हैं, उस कनेक्शन की एनर्जीज क्या है मुझे देखना है, गिव मी अ मोमेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योस हो चुका है, वी नीड टू क्लियर दिस टू क्लियर अवर रीडिंग। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस वेरी क्लियरली कि वर्गो का रिलेशनशिप वर्गो के पर्सन के साथ में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। प्लीज शो अस वेरी क्लियरली वर्गो की लव लाइफ की या रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, और बहुत ही स्ट्रांगली हम इंटेंशन रखेंगे यूनिवर्स के सामने कि आपका फ्यूचर कैसा दिख रहा है लव लाइफ का।
वी हैव डेथ, आपकी लव लाइफ या फिर आपका किसी पर्सन के साथ में जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी हमेशा क्योटिक होती है, और इसीलिए आपकी यू वर्सेस देम रीडिंग इतनी क्योटिक थी, स्कैटर्ड एनर्जी थी, चीज़ें कोलैप्स हो रही हैं, चीज़ें रीबिल्ट हो रही हैं, आपकी सोच बदल रही है, जिस पर्सन से आप डील करते थे उसकी सोच बदल रही है, कॉन्स्टेंटली आपके कनेक्शन के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, और आपकी लव लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, डेथ, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, मतलब चीज़ें कोलैप्स होंगी, नई चीज़ें शुरू होंगी, सेम पर्सन के साथ हो या किसी और पर्सन के साथ में हो, आपकी सोच बदलेगी, आपके पर्सन की सोच बदलेगी, आपकी फीलिंग्स बदलेगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स बदलेगी, काफ़ी सारे चेंजेस आप एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लव लाइफ में। डू रिमेंबर कि हो सकता है पिछले कुछ महीनों से ऐसा चल रहा हो, आगे और भी ऐसा चले, बट अभी समझो आपकी आपकी लव लाइफ की एनर्जी क्या है। आपकी लव लाइफ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हो सकता है पिछले कुछ महीनों से कन्फ्यूजन चल रहा हो, आगे भी 2-4 महीने कन्फ्यूजन चले, बट क्योंकि चीज़ें ना पूरे तरीके से 100% चेंज हो रही हैं, एंड आई एम श्योर कि आपके बेटरमेंट के लिए चेंज हो रही हैं। बहुत सारा पेन है आपके अंदर, आपके कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन एक मेजर एनर्जी है आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन की। हो सकता है आप भी बहुत बार हर्ट हुए हो सकता है आपके पर्सन भी बहुत बार हर्ट हुए हों, और दोनों काफ़ी पेनफुल एनर्जी में आप दोनों स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ों को हील करना है, बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन करना है आपको और आपके पर्सन को, एक दूसरे को कुछ बोला उससे मूव ऑन करना है, एक दूसरे के साथ में जो लेसन्स लर्न किए हैं उनको सीखना है, फॉरगिवनेस सीखनी है, इंडिपेंडेंट रहना सीखना है। इस कनेक्शन ने आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है, और आप दोनों ने ही अपने अपने लेसन्स को लर्न किया है, और यस, तो बहुत सारी चीज़ों को लेट गो भी करना है। द चैरियट, आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा, आपकी कनेक्शन की ग्रोथ भी होगी, आई डोंट नो किस डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, बट यहाँ पे लेसन्स हैं, लेसन्स लर्न करवाए हैं इस पर्सन ने। और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है, सबसे ज़्यादा इश्यू इस कनेक्शन में इसीलिए आए होंगे कि दो लोग एक दूसरे से ट्रू नहीं हैं, या फिर इस कनेक्शन में कोई एक पर्सन ट्रू नहीं है, इस कनेक्शन से अपनी फीलिंग्स प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं करना, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करना, प्रॉपरली यू नो चीज़ें छुपाना, मिस्टीरियस होना, इन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हार्म किया है आपके कनेक्शन को। स्नीकीनेस दिखाना, झूठ बोलना, इग्नोर करना, कॉल्स नहीं उठाना, ईगो दिखाना, एटीट्यूड दिखाना, इन सब चीज़ों ने काफ़ी हार्म किया है आप दोनों के कनेक्शन को, चाहे ये आपने किया हो चाहे आपके पर्सन ने किया हो। अब मैं आपके पर्सन के बारे में नहीं जानना चाहती हूँ, मैं आपकी फ्यूचर लव स्टोरी जानना चाहती हूँ कि वर्गोस के साथ में फ्यूचर में क्या होने वाला है, लव लाइफ में फ्यूचर में क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है वर्गोस के लिए अगले कुछ महीनों में। 10 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, आपकी लव स्टोरी, आपकी लव लाइफ दिख रही है बेसिकली फ्यूचर में। फ्यूचर में 1-2 महीने कैसे आपकी जिंदगी के दिख रहे हैं, लव लाइफ के दिख रहे हैं। आप एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा ना कि आप किसी चीज़ के लिए लड़ते लड़ते थक जाएंगे, आप किसी चीज़ पे गिव अप कर देंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ही ये पॉइंट चल रहा है आपकी लाइफ का, जहाँ पे आपने ये हो भी चुका होगा इनफैक्ट, क्योंकि अभी हम आपकी लव स्टोरी देख रहे हैं यहाँ पे, या फिर लव लाइफ की स्टोरी देख रहे हैं यहाँ पे, तो बर्डन बहुत ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस किया है अपनी लव लाइफ में, टेंशन बहुत ही ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस की है अपनी लव लाइफ में वर्गोस। अभी भी आप कोई बोझ है ऐसा लग रहा है कि लेके घूम रहे हैं, पास्ट का बोझ। 2 ऑफ पेंटिकल है, एक ऐसा पॉइंट आएगा या फिर आ चुका है जहाँ पे आपको एक मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी लव लाइफ में कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या पूरे टाइम किसी कनेक्शन में स्ट्रगल करना चाहते हैं, क्या आप किसी कनेक्शन में एफर्ट लगाना चाहते हैं, या फिर आप एफर्ट लगाना नहीं चाहते हैं। आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे क्या चूज़ करना है, क्या मुझे पास्ट के लिए वेट करना है, क्या मुझे एक नई लाइफ अपने लिए क्रिएट करनी है,
या फिर अगर आपके पास ऑप्शंस होंगे तो आप ये चूज़ करोगे कि आप कौन सा ऑप्शन यू नो चूज़ करने वाले हो। उसके बाद इस चीज़ के बाद जहाँ पे आपका कन्फ्यूजन चल रहा है आपकी लव लाइफ में, उस टाइम पे आप ये डिसाइड करोगे कि मुझे अपना फोकस अपने पैसों पे लगाना है। पैसों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो सबसे ज़्यादा, आप अपने करियर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ मैंने सोच लिया कि ये मेरा पाथ है, ये मेरा पर्सन है, इस डायरेक्शन में जाना है मुझे। नहीं, कन्फ्यूजन अभी भी चल ही रहा है, बट एडमिस दैट सिचुएशन आप अपना फोकस अपने करियर पे, अपने पैसों पे, अपनी पर्सनालिटी पे लगाते हुए दिख रहे हो। इस पॉइंट पे आप थोड़े से सेल्फिश बन चुके हो, जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि मुझे अपने लिए ज़िंदगी जीनी है, मुझे खुद को खुश रखना है, मुझे खुद को प्रायोरिटी देनी है। तो अगर ये करियर पैसा नहीं भी है तो ये खुद को प्रायोरिटी देना है। उसके बीच बीच में जो पास्ट की चीज़ें हुई हैं, पास्ट में जो पेन हर्ट प्रॉब्लम्स आई हैं, वो भी आपको याद आएगी। बहुत बार आप ऐसा फील करोगे कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा अनफेयर रही है मेरे साथ। आपको बहुत टाइम ऐसा लगेगा कि मेरे साथ में चीज़ें गलत हुई हैं, बट एट द सेम टाइम आप उन चीज़ों के लिए लड़ना बंद कर देंगे, उन चीज़ों पे एफर्ट लगाना बंद कर देंगे जिन चीज़ों पे जिन जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही। आप लड़ना बंद कर रहे हो किसी से, आप किसी से बैक करना बंद कर रहे हो, आप किसी से अटेंशन मांगना बंद कर रहे हो, आप बस छोड़ रहे हो, उस कनेक्शन को ड्रॉप कर रहे हो। फिर यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल है। फाइव ऑफ पेंटिकल, जब आपने किसी पर्सन को अटेंशन देना बंद कर दी, जब आपने किसी पर्सन से अपन यू नो ये बोलना बंद कर दिया कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने वैसा मेरे साथ वैसा किया, तुमने कॉल नहीं किया, तुमने मैसेज नहीं किया, आपने लड़ाई बंद ही कर दी, लाइक आपने ड्रॉप कर दिया कि लेट इट बी। इसके बाद में आपको थोड़ा पीरियड जो रहेगा कुछ महीने का, वो टफ लगेगा कि चलो अब मैंने इस टॉक्सिक साइकिल से तो मैं निकल गई हूँ, मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही, मैं उस पर्सन के लिए अब लड़ भी नहीं रही हूँ, ना उससे लड़ रही हूँ ना उसके लिए लड़ रही हूँ या लड़ रहा हूँ, पर अब मुझे थोड़ा सा अकेलापन फील हो रहा है लाइफ में, मुझे लोनली फील हो रहा है, मुझे आइसोलेटेड फील हो रहा है लाइफ में, बहुत ही डिफ़िकल्ट है चीज़ों को लेट गो करना। फिर आप ऐसा सोचोगे। उसके बाद में यहाँ पे आएगा एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल बहुत ही बड़ा लव लाइफ में कोई ऑफर, वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर। वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसा कोई ऑफर नहीं है कि आपने नहीं लिया तो आपको यू नो आपके लिए कुछ नुकसान हो जाएगा। ये तो आपको मिलना ही है। दिस इज़ समथिंग जो रिटर्न है आपकी डेस्टिनी में, जहाँ पे आप लव लाइफ में लड़ते लड़ते, स्ट्रगल करते करते, फाइनली अकेलापन झेलने के बाद में फाइनली आपको ऐसा ऑफर मिल रहा है जो ऑफर आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपकी लव लाइफ को पूरे तरीके से बदल देगा, और आपको वो मिलेगा फाइनली जो आप डिज़र्व करते हैं। बट उसके पहले आप इतनी सारी चीज़ों से गुजरेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, राइट? व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी बदलेगी आपकी। व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलेगी, आपकी पूरी किस्मत बदल जाएगी जब आपको ये एस ऑफ पेंटिकल मिलेगा, आपकी लाइफ में आएगा। ये इनएविटेबल है, इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये वो चीज़ नहीं है जिसे आप ख़राब कर दोगे, ये वो चीज़ नहीं है कि गलती से अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी समझ में आई नहीं आई तो। दिस इज़ समथिंग कि आपको मिलके रहने ही वाला है, लाइक कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई इसे रोक नहीं सकता, कोई इसे ख़राब नहीं कर सकता, बट आपका ये लव लाइफ का जो ऑफर है ये आपको मिलके ही रहेगा, बिकॉज़ ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आई थिंक कोई पर्सन डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और यहाँ पे कितने सिंक में कार्ड्स आते हैं, आपको नहीं लगता कि टैरो रीडिंग कितनी मैजिकल होती है? यहाँ पे टू ऑफ कप्स है। अब यहाँ पे आप किसी से अपना बॉन्ड बना रहे हो, अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हो इस ऑफर के साथ में, किस्मत बदल चुकी है, आप अकेले नहीं हो, आप कोल्ड नहीं हो, आप परेशान नहीं हो, बिकॉज़ यहाँ पे कोई पर्सन है आपके साथ में, आपका ट्रू कंपेनियन, आपका सोलमेट जो आपको मिल चुका है। इतने अच्छे से लव लाइफ, एस ऑफ कप्स, आई थिंक ये कोई न्यू लव है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है। ओके, दिस इज गोइंग टू लाइक दिस इज समथिंग जो आपकी ये चीज़ आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पेज ऑफ वांड्स, आपकी ज़िंदगी
टोटली बदल जाएगी। आपकी किस्मत में कुछ, आपकी लव लाइफ में कुछ बहुत ही अमेजिंग सा लिखा हुआ है। मैं कितना भी इम्फसाइज़ कर लूँ मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊँगी, बट ये आपकी लव स्टोरी है और स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल्स, कन्फ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट, अकेलापन, लोनलीनेस, डार्कनेस सब कुछ हमने देख लिया। बट ये जो चार कार्ड्स आपके आए हैं ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आपकी ज़िंदगी बदलेगी वर्गो, फॉर वंस एंड फॉर ऑल, राइट। चलिए अब यूनिवर्स की कुछ गाइडेंस लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से मेजर साइंस थे यहाँ पे और हम अल्फाबेट्स भी देखेंगे। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस क्लियरली और कोई गाइडेंस वर्गोस के लिए। Reconsider, yes, not the right time. सबसे पहले तो अगर आपने इस रीडिंग के दौरान कोई क्वेश्चन पूछा है यूनिवर्स से तो उसका आंसर येस है, या फिर यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं कि येस हम सही रीडिंग कर रहे हैं और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिकंसिडर, कुछ आप कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में जो आपको नहीं करना चाहिए, ये यूनिवर्स का थोड़ा सा हिंट है कि अपने डायरेक्शन को सही करें। ओके तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, आपको क्या समझ में आया इस रीडिंग के बाद कि क्या आप कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पे यूनिवर्स ने हमें इतना पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं, उसके बाद में एक छोटी सी चीज़ हमें बोल दी है कि जो भी पॉजिटिविटी आप यहाँ पे रीडिंग में देख रहे हो उसको होने में अभी टाइम है। हो सकता है कि आप किसी कन्फ्यूजन वाले फेज़ में स्टैंड कर रहे हो, यहाँ पे हमने कन्फ्यूजन देखा था, शायद आप इस फेज़ में स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आप खुद पे फोकस कर रहे हो, शायद आप इस फेज़ में स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आपको पास्ट का सोच के बुरा लग रहा है। अलग अलग फेजेस से आपकी लव लाइफ गुजर रही है। नॉट द राइट टाइम मतलब कि अभी एग्जैक्ट सही समय नहीं आया जहाँ पे आपकी लाइफ पूरे तरीके से सॉर्ट आउट हो सके। तो कुछ लोगों को ये मैसेज यूनिवर्स ने इसीलिए दिया है क्योंकि चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो, सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे आपके, जस्ट गो विद द फ्लो। ऑर्गेनिकली ये रीडिंग को देख के प्रोवोक होके किसी को कुछ मैसेज कर देना अच्छा या बुरा ये आपको नहीं करना है। नॉट द राइट टाइम मतलब कि यूनिवर्स बता रहे हैं कि अभी ये टाइम आया नहीं है, अभी थोड़ा वक्त है, हैव सम पेशेंस, अभी ये आया नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम है। ओके सो तब तक थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहने की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ओके सो यहाँ पे अभी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। हम देखिए यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आए हैं, सारे एलिमेंट्स, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, हमने कार्ड्स बहुत सारे यूज़ किए हैं आज आपकी रीडिंग के लिए, बट फिर भी मैं आपको मेजर आर्कानास बताऊंगी जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके तो यहाँ पे सैजिटेरियस हैं, धनु राशि, कैप्रिकॉन्स हैं, मकर राशि, स्कॉर्पियोज हैं, वृश्चिक राशि, कैंसेरियंस हैं, कर्क राशि, और जस्ट डू रिमेम्बर के सारे साइंस यहाँ पे आए हैं, ठीक है, बट मैं आपको मेजर साइंस बता रही हूँ। देखिए एस ऑफ पेंटिकल पहले भी आपके लिए आया था इस पर्सन के साइड से। एरीज है यहाँ पे, मेष राशि, जेमिनाई है, मिथुन राशि, लिब्राज है यहाँ पे, तुला राशि, टॉरस है, वृषभ राशि, यस। बाकी एलिमेंट्स सारे हैं तो आपके पर्सन किसी भी साइन के हो सकते हैं, गिव मी अ मोमेंट। चलिए अल्फाबेट्स देखते हैं। आई एम सॉरी मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मैंने जैसे तैसे करके आपके लिए एक प्रॉपर सेटअप बनाया है, तो आपको आपके पर्सन का पूरा नाम मिल सकता है, उनके नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है, कई बार पूरे नाम मिलते हैं। सो ओके यहाँ पे कैप्रिकॉन्स आए हैं, कर्क राशि, वी हैव द लेटर जे एंड ई एंड डी एंड ए एंड आई एंड ई G, H, I, X, S, T, T, A, T, O,
एंड पी. ओके, तो ये सारे लेटर्स हैं. अगर आपको इस रीडिंग से वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा. टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वर्गोस. बाय.